आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के लिए। जुआ खेल रहे लोगों के बीच आपस में हुए विवाद के बाद हवाई फायरिंग हुई। इस हवाई फायरिंग से एक महिला घायल हो गई। यह महिला 3 मंजिल की अपनी खिड़की पर खड़ी थी। आपको बता दें कि पूरे मामले में लिखित तहरीर रामकोट पुलिस को दी गई है। पूरे मामले से हम आपको अवगत कराने से पहले चाहते हैं हमारे चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता पंकज कश्यप ने खास रिपोर्ट तैयार की। पूरा मामला थाना रामकोट क्षेत्र के अंतर्गत स्थित काशीराम कॉलोनी का। यहाँ पर यहाँ के कमलेश पुत्र राम प्रसाद और विपक्षीगढ़ रामजी, डुगरू मुन्ना पुत्रगढ़ महादेव, नंदू पुत्र वीरेंद्र यादव, इन सब ये सब जुआ खेल रहे थे बैठकर। इसी बीच सबके बीच विवाद हो गया, गाली गलौज मारपीट तक नौबत पहुंचाई। जब लोगों ने इससे बीच बचाव के लिए आसपास के लोग दौड़े तो डुगरू ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद 3 मंजिल पर खड़ी अफसाना पत्नी आसिम को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विपक्षीगढ़ जानमाल की धमकी देकर वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है घटना बुधवार शाम करीब 8 बजे की है। मामले में शिकायत जो पुलिस से की गई है लिखित तहरीर रामकोट पुलिस को दी गई है। अभी तक विपक्षीगढ़ फरार है। ऐसी बेहतरीन खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहाँ रहते हो? कॉलोनी में। कौन से ब्लॉक में? ये 5 नंबर। यहाँ पे जो विवाद हुआ है, क्या है मामला पूरा? हम लोहार हैं। हाँ हाँ, लोहारों से लड़ाई हुई, उसमें उसने गोली चला दी। किसने गोली चला दी? राम जी भोजी ने, उसके भाइयों ने। गोली लगी किसी के? गोली लगी है जिसके, वो ले गए अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हाँ अच्छा, कितने लोगों को लगी गोली? एक के लगी है, एक के लगी है, थोड़ा नहीं लगी है। ठीक है।